अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नावल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नावल तेरा खुमार की एपिसोड 15 आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। पूरे रास्ते गाड़ी में सन्नाटा था। इसरा अबाया पहने खिड़की से बाहर नज़र आते नज़ारों को देखती गहरी सोच में गुम थी। जबकि जरगाम हर थोड़ी देर में उसके चेहरे पर निगाह डाल लेता, वो उससे बात तो क्या उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी और ये बात जरगाम खान ज़्यादा से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सब कुछ हो जाता लेकिन इसरा उसके साथ ये बेइत्नाई ना करे, ये हरकत उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। घर के दरवाजे पर गाड़ी आकर रुकी तो इसरा बाहर निकलती जा चुकी थी। एक नज़र पलट कर उसे देखना गवारा नहीं किया था। जरगाम कड़वा घूंट पीता खुद भी बाहर आया था। मेरी जान, मेरी बच्ची, कैसी हैं आप? मैंने आपका बहुत इंतज़ार किया, आपको बहुत याद किया। अस्मारा बेगम उसे देखते ही गले से लगा गई थी। इसरा भी उनके सीने से लगती सुकून महसूस करने लगी। जब इस्माइल साहब ने भी उसके सर पर हाथ रखकर उससे उसकी खैरियत दरियाफ्त की, अस्मारा बेगम उसका हाथ थामती उसे कमरे में ले गई थी। जब जरगाम पीछे खड़ा यह सब देख रहा था, उसकी मोरे ने भी उसे देखना गवारा नहीं किया था। वो कितनी ही देर उनका चेहरा देखे गया जबकि इस्माइल साहब भी उसे देखते बाहर जा चुके थे। जरगाम नज़रें नीची किए कई लम्हे वहाँ खड़ा रहा, फिर वो अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा गया। बैठे अस्मारा बेगम इसरा को अपने करीब बिठाते उसके मासूम चेहरे को चूम गई थी, जिस पर इसरा मुस्कुराती उन्हें प्यार से देखे गई। हमें माफ़ कर दें बेटा, हमारा अपना सिक्का खोटा निकला, हमने सोचा तक ना था जरगाम हमारी तरबियत का हमें ये सिला देंगे, हम इन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। अस्मारा बेगम शर्मिंदगी से सर झुकाए बोली थी कि इसरा पेशानी पर बल डाले उनके कंधे थामती उनके थोड़ी के नीचे हाथ रखते उनका चेहरा ऊंचा कर गई। नहीं फूफो जानी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी तरबियत में कोई कमी नहीं है, जो हुआ वो हमारी किस्मत थी, वो ऐसे नहीं है जैसे वो जाहिर करते हैं। आप शर्मिंदा ना हो प्लीज़ और इन्हें माफ़ कर दें। नहीं बेटा, उसने जो आपके साथ किया वो हमारी तरबियत पर तमाचा था, कैसे हम अपने बेटे को उसकी इज्जत की उसकी बीवी की कदर करना सिखा ना सके। अस्मारा बेगम की शर्मिंदगी भुलाए नहीं भूल रही थी। फूफो जानी, वो हमेशा से एक अच्छे इंसान थे, एक अच्छे बेटे थे, ये आपकी ही तरबियत का नतीजा है कि वो हमारे साथ जैसे भी थे, ये उन्होंने हमारे साथ जो भी किया उसके जवाबदेह वो हमें हैं, उनकी जजा और सज़ा का हक हमें हासिल है। आप प्लीज़ इन्हें किसी दूसरे इम्तिहान में मत डालें, उनकी ज़िंदगी लोगों की धुतकार और नज़रअंदाजी में ही गुजरी है और आप तो उनकी माँ हैं। इस वक्त उन्हें आपके प्यार की, आपके एतबार की और आपके साथ की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ उनके साथ बेगानों सा रवैया मत रखिएगा प्लीज़ फूफो जानी। अस्मारा बेगम की आंखों में आंसू आ गए थे, उसकी बात सुनते वो माँ थी, कैसे उसके दर्द ना समझती, उसे खुद से दूर करना, उसे नज़रअंदाज करना उनके लिए कितना मुश्किल था, उनसे बेहतर और कौन जानता था। लेकिन उसके साथ साथ वो एक औरत भी थी और वो एक औरत की इज्जत पर हर्फ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो कैसे बताती ये बात कि आज अपने बेटे को इतने ज़ख्मों के साथ देखकर उनके दिल को अंदर से किसी ने बुरी तरह कुचल दिया था, लेकिन उन्होंने एक तर्स की नज़र भी उस पर ना डाली थी जो अपनी माँ को रहम तलब नज़रों से देख रहा था दरवाजे पर खड़ा। प्लीज़ फूफो जानी, इन्हें माफ़ कर दें, इसरा की बात पर वो सोचों के भंवर से निकलती उसे देखने लगी। अल्लाह ने हमें बहू की सूरत में बेटी से नवाजा है, आप जैसी बहू, बीवी, बेटी और बहन अल्लाह सबको दे। मेरी जान, हमारा बेटा बदकिस्मत है जो उसे हीरे की कदर ना कर सका। वो इसरा का माथा चूमते प्यार भरी नज़रों से देखते बोली थी, जिस पर वो फीका सा मुस्करा गई थी। राहिमा रात कमरे में आई तो उसकी तबीयत कुछ अजीब सी थी जो उसकी समझ से परे थी। हर थोड़ी देर बाद उसे खड़े होते चक्कर से महसूस होते थे जिसे इग्नोर करती वो इधर से उधर काम में मगन थी, लेकिन अब कमरे में आते उसे मतली महसूस होने लगी थी। बिस्तर तक आते आते उसे मतली हुई तो वो फौरी दुपट्टा बेड पर रखती वॉशरूम की तरफ भागी थी। फरदान, जिसने अभी कमरे में कदम ही रखा था, राहिमा को यूं बाथरूम में भागते देख वो परेशानी से उसके पीछे गया। क्या हुआ राहिमा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? लेकिन वो जवाब देने के बजाय मुसलसल कह कर रही थी। फरदान तो बौखला गया था उसकी ये हालत देख, जबकि इसरा कह करके निढाल हो चुकी थी। फरदान उसे थामता बाहर लेकर आया तो वो बिस्तर पर आकर बैठी, नम आंखें कमजोरी से बंद थीं। वो फरदान के सीने से लगती अचानक रोने लगी। मेरी जान, हुआ क्या है, हम डॉक्टर के चलें, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। फरदान उसे खड़ा करने लगा लेकिन वो नफ़ी में सर हिलाती उसके सीने से लगी, रोती रही। फरदान परेशानी से उसकी पुश्त सहलाने लगा।
जब वो खामोश हुई तो फरदान उसे पीछे करता, उसे देखने लगा। अलबत्ता हिसार अभी भी कायम था। क्या हुआ मेरी जान, आपकी तबीयत को? एक हाथ उसकी कमर में डाले, दूसरे हाथ से परेशानी से उसके बाल चेहरे से हटाता, इन्हें हाथ से संवारने लगा। पता नहीं हमने शायद कुछ उल्टा सीधा खा लिया है डिनर में, तभी हमें उल्टियाँ हो रही हैं, वो हिचकियों से फिर उसे बताने लगी। तो मेरी जान, इसमें इतना ज़्यादा रोने की क्या बात है, हम अभी आपको डॉक्टर के लेकर चलते हैं। राहिमा नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं, हमें नहीं जाना, हमें यूं ही आपके सीने पर सर रख कर सोना है, हम ठीक हैं अब, राहिमा मिनमिनाती नींदों में बोली थी कि फरदान उसकी ऐसी हरकतें हूंकों की तरह देखने लगा। अभी वो उल्टियां कर रही थी, फिर बिलावजह रो रही थी, और अब वो नींदों में चली गई थी। वो उसे ठीक से बिस्तर पर लिटाता, खुद भी बगैर चेंज किए उसे अपने सीने से लगाता, रोशनी बुझाते नींद की वादियों में उतर गया था। काफ़ी रात हो गई थी, जरगाम यहाँ से वहाँ कमरे में चक्कर लगा रहा था। अपने कमरे में आते ही सबसे पहले वो अपने असल में आया था। डार्क ब्लू कलर का ट्राउज़र पहने वो शर्टलेस था। वो बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था जो रात के 12 बजा रही थी। इस वक्त तक तो सब सो चुके होते हैं, फिर वो अकेली ऐसा क्या कर रही है नीचे? वो माथे पर बल डाले इन्हें सब सोचों में मगन था कि जब दरवाज़ा खुला, इसरा स्पार्ट चेहरा लिए अंदर आई तो जरगाम ठहरते उसे देखने लगा, जो कबर्ड से अपने कपड़े निकालती वॉशरूम में बंद हो गई थी। जरगाम के मुंह में अल्फाज नहीं थे, समझ नहीं आ रहा था इससे क्या कहे। उसके सामने आते ही सारे अल्फाज जुबान से गायब हो गए थे जैसे, लेकिन वो अब सब्र नहीं कर सकता था। इसरा के आने का इंतज़ार करते वो वहीं टहलता रहा। जब वो वॉशरूम से बाहर निकलती, सादा से सूट में बालों की ढीली चोटी में बना रखा था, बिस्तर की तरफ जाने लगी तो जरगाम ने उसका हाथ थामते उसे रोका। वो ठहरी मगर पलटी नहीं। जरगाम को अब चिढ़ होने लगी थी, उसके ना बोलने से अंदर ही अंदर लावा पक रहा था जो उसके ना बोलने से कभी भी फट सकता था, लेकिन वो सब्र कर रहा था जितना हो सके उतना सब्र। तुम मुझे यूं इग्नोर क्यों कर रही हो? उसके सवाल पर भी इसरा ना पलटी और अपना हाथ भी बेजान से उसके हाथ में रहने दिया, जैसे वो छोड़े तो वो जाए सोने। अचानक उसका हाथ खींचते जरगाम ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया था जो सर्द और संजीदा था। नजरें नीचे किए उसके सीने पर धरी थी। कुछ तो बोलो, कुछ कह लो, कोई तो शिकायत कर लो, गुस्सा कर लो, चीखो चिल्लाओ मुझ पर, लेकिन यूं खामोश मत रहो, यूं मुझसे नजरें मत चुराओ। उसने अपने बेतहाशा करीब करते वो बेबस लहजे में बोला था कि इसरा के तास रात में कोई रो बदल ना हुआ। जरगाम ने नम आंखों के साथ दांतों को भींचते उसे कमर से थामते पीछे दीवार से जा लगाया था कि वो जब से आंखें बंद कर दी उसका छूना बर्दाश्त कर गई। एक हाथ कमर में डाले, दूसरा हाथ उसके गाल से लगाते 2 इंच के फासले से उसे जी भर कर देखने लगा। देखता रहा यहाँ तक के जरगाम की आंखें नम सी हो गईं। इसरा ने नज़र उठाकर उसे ना देखा और ना वो देखना चाहती थी, लेकिन अपनी सांसों का क्या करती जो उसके करीब आने पर ही फूलने लगी थी। जरगाम ने हाथ गाल से हटाकर अंगूठे से उसकी घनी पलकों को छुआ, लेकिन उसने कोई हरकत ना करी। इसरा का दिल मचल रहा था लेकिन हाथों को झटकने की कोशिश ना की, बस नजरें झुकाए खड़ी रही। आई एम सॉरी, उसकी पेशानी से पेशानी टिकाए वो धीमी आवाज़ में बोला तो इसरा की चलती सांसें थमी। दिल शिद्दत से थम कर दौड़ा था लेकिन उसने फिर भी नजरें ना उठाई। माफ़ कर दो मुझे, धीमी आवाज़ मजीद सरगोशियों में घुली थी, लहजा मजीद गहरा होने लगा था। इसरा ने कुछ ना कहा, उसके गले में पहने बारीक चैन पर नजरें टिकाई और वो यूं ही बेतासर लहजे में खामोश रही। माफ़ कर दो तुम्हारे हर आंसू के लिए, हर दर्द के लिए, हर बेसुकूनी के लिए, हर तकलीफ़ के लिए, जरगाम ने नम लहजे में कहते उसकी पेशानी पर लबों का हल्का सा मस किया तो उसके जिस्म में सर्द लहर सी दौड़ी थी। इसरा का हलक खुश्क होने लगा लेकिन वो कुछ ना बोली। मैं जानता हूँ मेरी माफ़ी तुम्हारे जख्मों को भर नहीं सकती, मेरा पछतावा तुम्हारा टूटा यकीन नहीं जोड़ सकता, लेकिन फिर भी आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, वो जज्ब से एक एक लफ्ज़ बोलता उसकी पलकें उठने की राह देखता रहा। इसरा का दिल इन लफ्ज़ों से भरने लगा, गले में सांस फंसने लगी पर उसने हरकत ना की। डैमिट, कुछ तो कहो, जरगाम दबी दबी आवाज़ में चीखता दीवार पर ज़ोर से अपना ज़ख्मी हाथ मार गया था कि उसके ज़ख्म से खून फिर रिसने लगा, सफ़ेद पट्टी सुर्ख होने लगी। जिसे नज़रअंदाज करते जरगाम उसकी कपकपाती पलकें देखने लगा जो उसके डर से अब बंद हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उसने मुँह से अल्फाज अदा नहीं किया था। एक बार नज़र उठाकर देख लो कि मैं तुम्हें गले से लगाकर बताऊं कि तुमसे दूर रहना कितना तकलीफ देह है। जरगाम का नम लहजा इसरा के दिल को मुट्ठी में दबोच रहा था, वो उसे खुद से दूर धकेलना चाहती थी लेकिन उसने कोई हरकत ना करी। जरगाम ने पेशानी उससे दूर की लेकिन महसूस से आज़ाद ना किया, गौर से उसके खूबसूरत चेहरे के एक एक नकूश को देखने लगा।
जो बेहद सुने सुने लग रहे थे। वो आंखें जो हमेशा उसकी मोहब्बत में चमकती रहती थीं अब वीरान थीं। वो रंगत जो उसके करीब हमेशा सुर्ख होती थी वो अब जर्द थी। वो जिस्म जो उसके छूने से लरजता था आज साख्त था। ज़रगाम खानजादा कैसे बर्दाश्त करता ये सब। हाथ कमर को छोड़ते उसके चेहरे के इर्द गिर्द हिसार बना गए। ज़रगाम ने उसका चेहरा ऊपर उठाया तो वो उसकी गर्दन पर नज़रें टिका गई। प्लीज़ कुछ कहो, मुझसे बात करो, मुझ पर गुस्सा करो, मुझे सजा दो, लेकिन ऐसे चुप ना रहो। उसके गालों को नरमी से सहलाते सहलाते ज़रगाम ने उसके दिल पर अनछुआ सा बोसा दिया तो इसरा ने आंखें बंद करके खोलीं और गहरी सांस भरी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, दिल नहीं मान रहा, दम घुट जाएगा मेरा अब। वो कान के करीब झुकते नम सरगोशी नुमा आवाज़ में कह रहा था। हाथों की जसारत अलग ही इसरा की हालात नासाज कर रही थी कि इसरा की बस हुई थी। मत करें प्लीज़, घुटी हुई आवाज़ में उसके मुंह से फिसला था। लेकिन ज़रगाम पीछे ना हुआ। पहला वो उसकी आवाज़ सुनने को तरस रहा था लेकिन अब उसे होश ही ना रहा था कि वो बोली है। उसके कान के करीब सर सराते हुए वो उसके गालों पर लब मस करते अपने एक हाथ से उसके बाजू को सहलाता खुमार में चूर था। इसरा का सांस लेना मुहाल हुआ था। अब वो शुरू से इसी तरह उसकी जान निकाला करता था और अब यहाँ इसरा का सांस बंद हुआ चाहता था। पीछे हो बेनाम सी सरगोशी करता। इसरा ने उसके सीने पर हाथ रखते एक झटका दिया जिससे वो होश में आया। इसरा ने उससे नज़रें ना मिलाने का अहद किया था और अब बेतरतीब सांसों के साथ वो उसकी भूरी बोलती आंखों में देख रही थी जो उसके खुमार के संग लाल हो रही थी। खुद को वह मुश्किल संभालते नम आंखों में गुस्सा भरते वो उसे देखने लगी जो एक कदम उसकी तरफ बढ़ाता फिर उसके करीब आ रहा था। वो वहीं रुक जाएं, मुझे छूने की या मनाने की कोशिश मत करें। अजनबी आंखें, लहजा रूखा था, आवाज़ सर्द। ज़रगाम उसे बिना पलकें चिपकाए देखे गया। नज़रों का जाविया बदलते इसरा ने गहरी सांस गले से नीचे उतारी। जानते हैं हम आपकी ज़रूरत का सामान है लेकिन अब बस करें, हम मज़ीद आपका छूना बर्दाश्त नहीं कर सकते। कितना तड़पाएंगे ज़रगाम खान ज़्यादा, देखें हमें, हम मर चुके हैं अंदर से, अब कुछ नहीं बचा हम में। इस हंसी खेलती लड़की को बर्बाद कर दिया आपने और आपको लगता है हम आपको माफ़ कर देंगे। वो दबी दबी आवाज़ में चीखी थी कि सांस अब मज़ीद फूलने लगा जबकि ज़रगाम स्टिल खड़ा उसे देख रहा था। आपको ज़ुबानी माफ़ी चाहिए तो ठीक है, हमने आपको माफ़ किया। और हाँ ज़रगाम खान ज़्यादा, हमने आपको माफ़ किया लेकिन वो रात हम नहीं भुला सकते, हम वो रात नहीं भुला सकते जब आप हमें किसी बेकार शय की तरह बीच रास्ते पर फेंक आए थे। हम नहीं भूल सकते कि उन आदमियों ने हमें बेकार शय समझकर हमारी इज्जत के साथ खेला था। हम नहीं भूल सकते जब उन्होंने ये अल्फाज कहे थे कि तू अपने शौहर के लिए बेकार चीज़ है जो तुझे कचरा समझकर सुनसान सड़क पर हमारे लिए छोड़ गया। वो हुज़ियानी होते चीखती नीचे ज़मीन पर बैठ गई थी लेकिन ज़रगाम दीवार पर नज़रें जमाए वहीं खड़ा रहा। ज़िंदगी में पहली बार ज़रगाम खानज़ादा को लगा था उसे उसका गुरूर छीन लिया गया हो, उसकी इज्जत को भरे बाजार में जाकर बरहना कर दिया गया हो। वो साफ तो जामद खड़ा था जब धीरे धीरे नज़रें सिरकती इसरा पर जा ठहरी जो मुंह दोनों हाथों में छुपाए आंसुओं से रो रही थी। वो अपनी और इसरा की ज़िंदगी से उस रात को कैसे मिटाता, वो इस बात का अजाला कैसे करता। ज़रगाम की आँख से एक आंसू टूट कर दाढ़ी में जज्ब हुआ था। हम उस रात मर क्यों नहीं गए, हम क्यों जिंदा बच गए। वो चीखी थी कि ज़रगाम खान ज़्यादा उसके लफ्ज़ों को सुनता होश में आया था और एक झटके से उसे बाजू से पकड़ते ज़मीन से उठाया था। ये क्या बोल रही हो तुम, हाँ कैसे कह सकती हो ऐसा, तुम मेरे लिए ज़िंदा हो क्योंकि मैं ज़िंदा हूँ, समझी। वो धाड़ा था कि इसरा सांस रोके आँखें फाड़े उसे देखने लगी। मेरे लिए ज़िंदा हो तुम, मैं कैसे रहता तुम्हारे बगैर, तुम्हें नज़र नहीं आता मैं तड़पता हूँ तुम्हारे बगैर, मुझे सांस नहीं आता तुम्हारे बगैर, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर यार। उसकी आंखों में देखते ज़रगाम अपनी आवाज़ पर काबू पाते बेबसी से कहते उसे सीने में भींच गया था जबकि इसरा साख सी खड़ी उसका इजहार सुन रही थी। ज़रगाम खान ज़्यादा तुमसे इश्क करता है, उसके ये अल्फाज सुन इसरा की सांसें जो सीने में अटकी थी वो बहाल हुई थी जबकि आँखें चिपकते वो आने वाली नमी को पीछे धकेल गई थी। वो कई लम्हे यूं ही लिए उसे खड़ा रहा जैसे अपने जलते दिल को सुकून दे रहा हो जबकि इसरा उसके अल्फाजों में गुम थी लेकिन होश में आते एक झटके में उसे दूर धकेल गई। आपको पता है ये अल्फाज क्या अहमियत रखते हमारे लिए, अगर वो रात हमारी ज़िंदगी में ना आई होती तो। ज़रगाम को उसके दूर होते अपना सुकून दूर होता महसूस हुआ था। हम खुशी से झूम जाते, आपके सीने से लग जाते, आपकी बाहों में छुप जाते, आपके माथे का बोसा लेते और कहते कि आज इस दीवानी को उसका इश्क मिल गया। वो हंसी हुई बोली थी जबकि आंसू तेज़ी से आँखों से बह रहे थे। ज़रगाम का दिल किसी ने स्विच भोई थी लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि हमारी मोहब्बत हम समेत आप उस रात रास्ते पर फेंक आए थे जो उसी रात मर गई थी।
हमारे दिल में आपके लिए जो मोहब्बत थी वो उस रात मर गई थी और आज आपके सामने एक बेजान शय खड़ी है जिसके दिल में तमाम एहसासात मर चुके हैं। उसकी बात सुनते जरगाम एक कदम पीछे होते, लड़खड़ाया था, कांच की तरह उसका दिल टूटा था, किरची किरची होते। अगर बहुत तलब हो रही है तो अब भी तस्कीन हासिल कर सकते हैं आप हमसे, लेकिन याद रखिएगा हमारा दिल मर चुका है और एक मुर्दा वजूद से आप कभी सुकून हासिल नहीं कर पाएंगे। उसकी बात सुनते जरगाम ने टूटे मान के साथ उसे देखा था, क्या वो वाकई उसे इस तरह सजा देगी? अपनी मोहब्बत से मुकर कर उसका दिल रौंद कर वो नहीं जानती थी कि अपनी आदत लगा कर वो उसे दूर रहने की सज़ा सुना गई थी। वो जरगाम खानजादा को खुद के लिए पागल करके आज उसे खुद से दूर कर रही थी। वो कैसे सांस लेता उसके बगैर, उसे तो अब आता ही नहीं था उसके बगैर जीना। ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा धड़ से बंद करती वो अंदर जाते घुटनों में चेहरा छुपाए रोती थी, जबकि बाहर जरगाम को लगा था आज सब खत्म हो गया, आज वो वाकई सब हार गया। सब कुछ मिलकर भी आज उससे सबसे कीमती चीज़ छीन ली गई थी। सुबह की किरण किसी के लिए रोशनी की उम्मीद लेकर आई थी और किसी के लिए खुशियां लेकर आई थी। खान हवेली में नाश्ते की मेज़ पर बैठे सब नाश्ते में मगन थे, जब हाथ में जूस का ग्लास थामते रहमा को मतली हुई थी और वो सबके बीच से उठकर मुंह पर हाथ रखती भागी थी। सब हैरानी से इस मंजर को देखने लगे, जब सबसे पहले फरदान होश में आते उसके पीछे गया और उसके बाद बाकी सब। कमरे में पहुँचते देखा तो रहमा निढाल होती वॉशरूम से निकलती बिस्तर पर आकर बैठी। रहमा यार क्या हो गया है आपको, आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, चलें अब हम आपकी एक भी नहीं सुनेंगे, फरदान गुस्सा और परेशानी के संग बोला तो शाहीन बेगम भी उसके पास आकर बैठी, जबकि शाहाना बेगम, नाजो बेगम और नरमीन भी उसके पास खड़ी थी। रात से तबीयत ख़राब है आपकी और रहमा आपने बताया नहीं, रात को ही जाना चाहिए था डॉक्टर के, नरमीन ने परेशानी से बोला, जबकि शाहीन बेगम और शाहाना बेगम आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारे में समझती मुस्कराई थी। चलें हम भी चलते हैं फरदान लाला आपके साथ, नरमीन ने कहा तो फरदान ने असबात में सर हिलाया, जबकि रहमा अपना सर पकड़कर बैठी थी। शाहीन बेगम ने उसे इबाया पहनाते सहारा देकर उठाया था, कुछ नहीं होगा हमारी जान, हिम्मत करें ऐसे परेशान ना हो। शाहीन बेगम ने परेशानी से रहमा को देखा जो नढाल सी आंखें बंद किए उनके सीने से लगी थी। नरमीन भी कबीर से इजाज़त लेती अबाया पहनकर गाड़ी में उसके साथ आ बैठी थी। थोड़ी देर में डॉक्टर के कैबिन से निकलते फरदान के चेहरे पर बेतहाशा खुशी छलक रही थी, जबकि नरमीन भी मुस्कुराती रहमा को सहारा दिए बाहर लेकर आई, जो खुद भी कंफ्यूज सी थी। मुबारक हो आपको फरदान लाला और आपको भी रहमा, नरमीन ने मुस्कुराती आवाज़ के संग कहा तो रहमा का चेहरा गुलनार हुआ, बहुत शुक्रिया भाभी। फरदान के पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। गाड़ी में बैठते फरदान ने वालहाना नज़रों से पीछे रहमा को देखा था, लेकिन नरमीन के होते वो ख्याल करते घर की तरफ गाड़ी ले गया था। पूरे रास्ते रहमा खुद पर उसकी नज़रों की तपिश महसूस कर सकती थी। फरदान ने घर आते रहमा को सोफे पर आराम से बिठाया और मुस्कराहट दबाते बाकी सबकी तरफ देखा जो उसकी शक्ल ऐसे देख रहे थे जैसे वो सब जानते हों कि फरदान कोई खुशखबरी सुनाएगा। हम बाबा बनने वाले हैं, फरदान ने जैसे सीना चौड़ा करके फख्र से मुस्कुराकर बताया था कि बाकी सबके चेहरों पर बेतहाशा खुशी की चमक दौड़ गई थी कि कबीर मुस्कुराता आगे बढ़ता उसे गले से लगा गया था। मुबारक को छोटे मुझसे पहले बाजी मार गए, कबीर ने उसके कान में ऐसा आवाज़ में कहा तो फरदान दिल खोलकर हंसा। देख लें आपको ताया के ओहदे पर फाइज करने जा रहा हूँ, हमें भी अब जल्दी से चाचू बना दें ताकि डबल खुशियाँ मनाएं। फरदान की बात पर कबीर ने मुस्कुराते नरमीन की तरफ देखा था जो रहमा को प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। अल्लाह जब चाहे। प्यार भरी नज़रों से नरमीन को देखते कबीर ने जवाब दिया। सब मिलकर फरदान को मुबारकबाद देने लगे, जबकि सारी औरतें रहमा की नज़र उतारती उसे दुआएं देने लगीं, जिन्हें वो लजाती नज़रें झुकाते वसूल करने लगी। थोड़ी ही देर में नरमीन रहमा को कमरे में लिटाती एहतियात करने का कहती बाहर गई थी, जब उसके पीछे फरदान कमरे में आया। यूं तो उसे ज़मीनों पर जाना था लेकिन सब परे करते वो रहमा के साथ इस खुशी को मनाना चाहता था। दरवाज़ा बंद करते फरदान उसके पास आया था जो शर्माती इधर उधर नज़रें झुकाते बैठी थी। उसके पास आते उसे ऐसा कि ऐसा ही गोद में उठाते वो उसे गोल गोल घुमाने लगा। रहमा की चीख सुनते वो रुका जो सर पर हाथ रखे आंखें बंद किए हुए थी। फरदान हमें चक्कर आ रहे हैं, प्लीज़ नहीं करें, रहमा आंखें मीचते उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए बोली थी, जब फरदान को बेसाख्ता उस पर बेतहाशा प्यार आया। मेरी जान हम आज बहुत खुश हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि हम हवाओं में हैं, अल्लाह पाक हम पर इतना मेहरबान है कि उसने हमें औलाद जैसी नेमत से नवाजा है, फरदान उसके सर पर बोसा देते बोला। वो अभी तक उसकी बाहों में दुबकी चेहरा गर्दन में छुपाए हुए थी जब फरदान को अपनी गर्दन पर नमी का एहसास हुआ
बिस्तर पर बैठते फरदान ने उसे अपनी गोद में ही बिठाए उसका चेहरा हाथों में लिया था। क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं, आपकी तबीयत खराब हो रही है क्या? फिर से उसकी रोती शक्ल देख फरदान को परेशानी हुई थी, कहीं उसकी तबीयत फिर तो ख़राब नहीं हो रही, लेकिन वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। हमें बस रोना आ रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा क्यों, लेकिन बस बहुत रोना आ रहा है। उसकी बात पर फरदान ने उसे सीने से लगाया। मेरी जान आप रोए मत, ऐसे रोते नहीं हैं, इतनी बड़ी खुशी पर बल्कि अपने रब का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह पाक को बुरा लग सकता है। उसकी बात पर रहमा चेहरा उठाकर देखने लगी, हमें डर भी लग रहा है बहुत, अगर हमें कुछ हो गया तो? रहमा की बात पर फरदान के माथे पर बल पड़े, कैसी बातें कर रही हैं आप, कुछ नहीं होगा, क्या हमारी माँ ने हमें पैदा नहीं किया जो आप इस तरह सोच रही हैं? अल्लाह पर भरोसा रखते हैं यार, ऐसे नहीं सोचते। फरदान वापस उसे सीने से लगा गया था, जब वो भी उसकी बात पर इस्बात में सर हिलाती आंसू पहुँच गई। अल्लाह ताला हमसे नाराज़ तो नहीं हुए होंगे ना हमारे रोने पर, हम खुश हैं बहुत, ये एहसास बहुत अलग है, बस हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था ना, इसलिए हमें रोना आ गया। रहमा उससे अलग होती उसे समझाने लगी, जिसे देख फरदान को बेसाख्ता उस पर प्यार आया था। उसकी जंगली बिल्ली इस वक्त बेहद मासूम लग रही थी उसे। नहीं, बिल्कुल नाराज़ नहीं होंगे, अल्लाह बहुत मेहरबान है मेरी जान, हम पर उसका शुक्र अदा करते हैं, आ जाएं वज़ू कर लें। फरदान ने उसे ज़मीन पर खड़ा किया और वॉशरूम की तरफ राह ली। थोड़ी ही देर में वज़ू करते वो दोनों अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते शुक्राने के नफल पढ़ने लगे। रहमा ने जाय नमाज रखते अपना दुपट्टा खोला तो पीछे से फरदान ने आते उसे बाहों में उठाया था। रब का शुक्र अदा तो हो गया, अब आ जाए मिजाजी खुदा का शुक्र भी अदा करें। फरदान लाइट्स बुझाते उसे अपनी मोहब्बत में डुबाते उसे में कहीं गुम हो गया था।